रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा तीसरी की छात्र सुरस पांडे के साथ शिक्षिका द्वारा पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले पर अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब छात्र विद्यालय पहुंचा तो होमवर्क ना करने के चलते शिक्षिका ने उसकी बेदम पिटाई की तथा पिटाई करते हुए छात्र को लहूलुहान कर दिया, जिससे छात्र सुरेश पांडे के शरीर में काफी चोट के निशान भी आए हैं। दरअसल आनंद मार्ग विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा तीसरी का छात्र सुरेश पांडे कुछ दिनों के लिए अपने परिवारजनों के साथ घूमने गया था, जिसकी वजह से उसने विद्यालय से अवकाश लिया था तथा अवकाश खत्म करने के बाद जब वह सोमवार को विद्यालय पहुंचा तो उसकी एक शिक्षिका विद्यालय में नहीं थी, और अगले दिन जब मंगलवार को वह छात्र विद्यालय पहुंचा तो शिक्षिका ने होमवर्क के बारे में उससे बातचीत की। तब छात्र ने होमवर्क की जानकारी ना होने की बात कही तो शिक्षिका के द्वारा छात्र की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि आनंद मार्ग विद्यालय में लक्ष्मी नाम के शिक्षिका ने छात्र के साथ मारपीट करते हुए उसे लहूलुहान किया था, जिसके बाद छात्र जब घर पहुंचा तो परिजनों ने चोट के कारण पूछे, तब बच्चे ने पूरी घटना कह दी, जिस पर बच्चे की मां शिकायत लेकर विद्यालय पहुंची, मगर विद्यालय में उसकी शिकायत सुनने के बजाय शिक्षकों द्वारा उसके साथ भी डांट फटकार कर दी गई, जिसे परेशान होकर अनंतः छात्र की मां ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर अब पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? सुरेश पांडे। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? आनंद मार। किसने मारपीट की है आपके साथ? लक्ष्मी मैम। क्या वजह थी बताइए पूरा। कल मैं स्कूल आया था पर कल मैम नहीं आई थी, इसीलिए कल मैम आई नहीं थी, होमवर्क मुझे नहीं पता था इसलिए कर गया था स्कूल, इसीलिए मैम मारी थी। कैसे मारी, मारा उन्होंने किस तरह से? वो उनके नाखून नाखून बहुत बड़े थे। कितनी बार पिटाई की आपकी उन्होंने? किस तरह मारा ये बताओ। 7 बार पेट में, 2 बार गाल में, 6 बार बाल पकड़ के। ब्लड भी निकला था आपके, यहाँ पे खरोंच के निशान है। हाँ थोड़ा सा स्कूल में। क्या लगा था आपके गाल पे, क्या काहे का निशान है? कान छाला पड़ा है, मुंह में दर्द होता है। हाँ कहाँ से मारी थी? हाथ से। हाथ से मारी थी। और भी कुछ बोले? क्या बोले थे? कल से होमवर्क करके आना। होमवर्क नहीं किए थे क्या? कौन सी क्लास पढ़ते, कौन सी क्लास में? 3। मेरा मनीषा पांडे उपरेटी। तो 2 दिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने नहीं भेजा, मैंने मंडे से स्कूल भेजा। मैं टीचर से एक दो को बोल के आई, जो हमारी पुरानी परिचित थी, कि इसको मैम को बता दीजिए, इसको मारा रहे नहीं, अभी आया है। तो उन्होंने कि ठीक है। तो मंडे को कोई घटना नहीं हुई। कल फिर मैं स्कूल छोड़ के आई। स्कूल छोड़ने के बाद ये मेरा बेटा बड़ा वाला इसको स्कूल लेने गया, मैं अपने घर के काम में बिजी थी। तो मैंने बच्चे को कहा बेटा देखो चलो, हमने कि अपने कपड़े उतारो चलो खाने आने को देते हैं। तो बस हुआ ये, मैंने बच्चों को खाना लगाया, जब मेरे बड़े बेटे ने देखा कि इसके तो चोट लगी, मैंने कपड़े उसके उधर चेंज किए तो देखा तो उसके गाल में बहुत चोट। पहले मैंने बच्चे को, हमने कि बेटा कहाँ गिरे हो, क्यों सहायता नहीं किए? कि नहीं मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे को मैम ने मारा है। तो मैंने पूछा क्यों मारा तुमको, सही बोलना झूठ नहीं बोलने का? तो बोले कि मैंने कहा होमवर्क नहीं था, मैम कल आई नहीं थी और मेरा होमवर्क मुझे पता नहीं था, हुआ नहीं, इसलिए मैंने मेरे को मारा है। तो उसके बाद फिर मैंने कही अच्छा ठीक है। तो मैं फिर अब वहाँ लाल मैम के पास गई, तो मैंने लाल मैम से कही, हमने कि देखिए मैम इसको, आपको हम सारी घटना बता के गए थे, हमारी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन मैम ने इसको इतनी बार मारा, पहले भी 1-2 बार उसको मारी है, नाखून लगा है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, हमने कि चलो छोटे धोखे से लग गया होगा, लेकिन आज तो बहुत ही तेज उसको मारा। तो बोले कि हो गया होगा, वो ये वो बातें बनाने लगी। तो हमने कि ऐसा नहीं होता हैगा, हमने कि आपको मालूम है कि अपने बच्चों को मारने का रूल्स नहीं है, कि वो तो हम भी जानते हैं आप भी। हमने कि नहीं होगा, अभी हम कंप्लेंट कर देंगे तो क्या होगा, कि कर दीजिए आप कंप्लेंट करना है। तो बच्चे के चोट के निशान है, कैसे मारा उन्होंने, क्या? ओ तो पर बच्चे ने बताया कि मेरे को बाल पकड़ के और मेरे को गाल पे तमाची तमाचा मारने लगी पीठ पर, और मेरी सुसु भी छूट, मेरे को सुसु भी नहीं लगी थी, फिर भी मेरे को सुसु हो गई। मैं हैंडल कर लूँगी, मैंने कि मैं आपके हैंडल कर, मैं भी तो जानूँ मेरे बच्चे की क्या गलती है जो इतना तेज उसको मारा गया है। कल दिनांक 18 को एक फरियादियाँ आई थी, उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि उनका जो बच्चा है वो आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ता है, कल किसी टीचर ने उनके साथ मारपीट की है। मामले का आवेदन लेकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोई सूचना आती है आप सबको अवगत कराया जाएगा।